सब्सक्राइब कीजिए एग्ज़ाम वॉरियर्स चैनल को, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। गाइस वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए धार्मिक आंदोलन के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बताने वाली हूँ, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आप SSC रेलवे, UPSC, MPPSC या फिर किसी भी अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन ए है ग्रीक राजा, ऑप्शन बी वैष्णव संत, ऑप्शन सी जैन मठवासी या फिर ऑप्शन नंबर डी बौद्ध दार्शनिक। तो नागार्जुन कौन थे, इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर डी बौद्ध दार्शनिक। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो महावीर जो थे वो कौन से नंबर के तीर्थकर थे? ऑप्शन ए है पहले, ऑप्शन बी है 10वें, ऑप्शन सी है 20वें या फिर ऑप्शन डी है 24वें। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 24वें। ठीक है, जो महावीर थे वो अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? ऑप्शन ए है कर्म, ऑप्शन बी निष्ठा, ऑप्शन सी अहिंसा या फिर ऑप्शन नंबर डी है विराग। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अहिंसा। अगला प्रश्न देखेंगे, जियो और जीने दो किसने कहा था? ऑप्शन ए महावीर स्वामी ने, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी ने या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो ये सेंटेंस था जियो और जीने दो, ये किसने कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी ने। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ठीक है, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या फिर ऑप्शन डी मणि सुब्रत। तो जो अंतिम थे वो कौन से थे? महावीर स्वामी, ये अंतिम भी थे और 24वें थे। ठीक है, 24वें। जो पार्श्वनाथ थे ये 23वें थे और जो ऋषभदेव थे ये कौन से थे? पहले तीर्थकर थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ठीक है, तो पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द कौन सा प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है जिन, ऑप्शन बी रत्न, ऑप्शन सी कैवल्य या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द यूज़ किया गया है वो है ऑप्शन नंबर सी कैवल्य, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, कहाँ पर हुआ था, स्थान बताना है। ऑप्शन ए कुंडलग्राम में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी है मगध में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुंडलग्राम में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है मगध में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी है कुंडलवन कश्मीर में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुंडलवन कश्मीर में। देखिए कनिष्क के शासनकाल में पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगीति, ऑप्शन ए है मगध में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी है कुंडलवन कश्मीर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? यहाँ पर अशोक के शासनकाल में पूछा गया है। ऑप्शन ए है मगध में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी कुंडलवन कश्मीर में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं थी? ऑप्शन ए है अहिंसा, ऑप्शन बी है वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन सी है आत्मदमन या फिर ऑप्शन डी है रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो जो बात समान नहीं थी वो थी ऑप्शन नंबर सी यानी कि आत्मदमन। ठीक है, बाकी अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये सभी दोनों धर्मों में समान थी, सिर्फ आत्मदमन यही समान नहीं था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? ठीक है, तो प्रथम पूछा है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है राजगृह या फिर ऑप्शन डी है बोधगया। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजगृह। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, सुमिलित कीजिए बौद्ध का जीवन। ठीक है, तो बौद्ध के जीवन के आधार पर
स्थान यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन। तो यहाँ पर देखिए गाइस, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? और इसका राइट आंसर लुम्बिनी। उसके बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी बोधगया में। ठीक है, उसके बाद में है प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में दिए थे बौद्ध ने। ठीक है, उसके बाद में इनका निधन हुआ था कहाँ पर? कुशीनगर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं? ठीक है, तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा कहलाता है? ऑप्शन ए है 12 अंग, ऑप्शन बी 12 उपअंग, ऑप्शन सी है 14 पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 14 पूर्व, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक बताना है। ऑप्शन ए है उपाली, ऑप्शन बी है आनंद, ऑप्शन सी स्थूलभद्र, या फिर ऑप्शन डी है मक्खली गोसाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मक्खली गोसाल। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल, इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद में गाइस, मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 प्रश्न कराती हूँ, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, ठीक है, तो त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? ऑप्शन ए है जैनों का, ऑप्शन बी है बौद्धों का, ऑप्शन सी है सिखों का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हिंदुओं का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किन का है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी बौद्धों का। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया था गाइस। यदि अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ठीक है, तो किसके शासनकाल में दिए गए थे, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी है अकबर, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यदि आपको इसका आंसर चाहिए है तो आप आई बटन पे जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने पिछला वीडियो दिया हुआ था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन डाला था, तो आप वहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं। यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, गाइस आज मैं अपनी वीडियो में जिनका नाम लेना चाहूँगी वो है MP ऑनलाइन स्टडी। ठीक है गाइस, तो MP ऑनलाइन स्टडी, थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। गाइस यदि आप लोग भी चाहते हैं कि मैं अपने आने वाली वीडियोस में आप में से किसी एक पर्सन का नाम लूं, तो आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, और गाइस कमेंट में जो राइट आंसर है वो लिखना होगा। ठीक है, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।